नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने किया औचक निरीक्षण। कमिश्नर की छापेमारी के बाद टूटे दलालों के अड्डे। पति ने 24 वर्षीय पत्नी को चाकू से गोदा। इलाज के दौरान हुई मौत। रोडवेज कार्मिकों ने खोला मोर्चा। बोले सरकार को माननी होंगी मांगे। रामनगर में पेपर लीक मामले में युवाओं ने निकाली सरकार के खिलाफ युवा जन आक्रोश महारैली। अब खबरें विस्तार से। आतंकवादी गतिविधि में दिल्ली पुलिस द्वारा उधम सिंह नगर बुलर भोज निवासी जगजीत सिंह उर्फ जग्गा सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सूचना के बाद से ही जनपद पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। गिरफ्तारी के बाद से पुलिस आरोपी जग्गा से पूछताछ के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए थी। एसएसपी ने बताया कि सीओ ऑपरेशन अनुष्का बडोला के नेतृत्व में थाना गदरपुर पुलिस एलआईयू एसओजी की टीम को दिल्ली भेजा गया। वहीं टीम द्वारा आरोपी जग्गा से कई बिंदुओं पर पूछताछ की गई। हालांकि आरोपी ने टीम को उत्तराखंड में किसी बड़ी घटना को करने का कोई इनपुट नहीं दिया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जग्गा और नौशाद जिनको दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के अंतर्गत साजिश रचने में और एक आदमी का खून करने में जो जेल भेजा है वो दिल्ली पुलिस के कब्जे में है। और दिल्ली पुलिस की कस्टडी के दौरान ही, जैसे हमने पहले से ही तय किया था, हमारा और दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल का कोऑपरेशन के तहत हमारी एक कंबाइंड टीम है जिसमें हमारा सीओ ऑप्स अनुषा बड़ोला के नेतृत्व में एलआईयू की टीम थी, गदरपुर की टीम, सर्कल की टीम और भी एसओजी का स्पेशल टीम, बहुत बड़ी टीम जाके कल दिन भर 8 घंटे से भी ज़्यादा टाइम पूछताछ करी है। हमें काफ़ी सवालों के जवाब मिल चुका है। हमें जो है 2-3 बिंदुओं पे काम करना था कि उत्तराखंड में इसका साथी कौन था और उत्तराखंड में जो साथियों के अलावा फाइनेंशियर कौन था, क्या गतिविधियां यहाँ पे उत्तराखंड में करता था या क्या क्या चीज़ें वो आगे करने वाला था। तो काफ़ी चीज़ों की हमको जानकारी मिल चुकी है और कुछ चीज़ों पर हमें आगे के काम करना है जिस पर हम काम करेंगे। तो ऐसा कोई बड़ी घटना अभी तक यहाँ करने के बारे में ऐसा कोई इनपुट मिला नहीं है, ठीक है। और जो भी दिल्ली पुलिस का जो मतलब वर्षन है उसी का है लगभग, बट काफ़ी हमें इनपुट्स मिला है जो सपोर्टिव इनपुट्स है जो उत्तराखंड के संबंध में है, सपोर्टिव इनपुट्स जिनके ऊपर हमें गतिविधियों के ऊपर हमें नजर रखना हो या फिर जिन पे काम करना हो उन सभी के ऊपर हम काम करेंगे बस। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब रामनगर ब्लॉक कार्यालय पहुंचे जहां उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने सरकार की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान बैठक में विधायक दीवान सिंह बिष्ट, ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत समेत कई लोग मौजूद रहे। संवाददाता कैलाश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, मीटिंग करने का उपयोगी इसलिए हमने मीटिंग आज पहले ही बैठक हमारी यहाँ ब्लॉक में है, ब्लॉक स्तर पर हमने आज तक जिले स्तर पर बैठकें की हैं और समीक्षा की है और अब हमने ये शुरुआत जो है ब्लॉक स्तर रामनगर से शुरू की है और उत्तराखंड के हर ब्लॉक में जाकर के हम इसी तरीके से जो हमारी भारत सरकार की और उत्तराखंड की सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं का किस तरीके से निस्तारण हो रहा है उनकी समीक्षा करने का काम है और उन योजनाओं को अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति जो इस योजना का लाभ ले सकता है जिससे हमारी महिलाओं को बेरोजगारी और रोजगार से लगाने का काम हो, बेरोजगारी दूर हो और उत्तराखंड में जो हमारी महिला समूह देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जिस तरीके का काम कर रही है उस तरीके से हम चाहते हैं नैनीताल जिले में भी काम हो और ब्लॉक स्तर पर हो। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने संस्कृति निदेशालय एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया। वहीं मंत्री सतपाल महाराज द्वारा लंबित पड़े बिलों के भुगतान शीघ्र करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अधिकारियों को कार्यालय में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करने के निर्देश भी दिए गए। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। हल्द्वानी के आरटीओ कार्यालय में बीते दिनों कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान आरटीओ कार्यालय में काफी अनियमितताएं पाई गईं। इसके साथ ही आरटीओ हल्द्वानी के मौके पर ना होने पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। वहीं आरटीओ प्रशासन ने कार्यालय से लगी दीवार से अस्थायी पड़ों को जेसीबी से ध्वस्त किया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।
इसमें हमारे जो बाउंड्री के बाहर, हमारे आरटीओ ऑफिस की बाउंड्री के बाहर कुछ लोगों ने अपने जो टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर बनाए हुए थे, हम लोगों ने उनको वहाँ से हटवा दिया है और अब सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी कोई दुकान या ठेला कोई नहीं लगाएगा। और दूसरा, हम उसको पार्किंग के रूप में डेवलप कर रहे हैं जिससे बाहर से आने वाले आगंतुक जो हैं उनको पार्किंग की जगह मिल सके। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बे तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में SRS मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। किच्छा कोतवाली क्षेत्र से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पति से नाराज पत्नी कई महीनों से मायके में थी, वहीं गुस्साए पति ने चाकू से वार कर अपनी पत्नी को घायल कर दिया। इलाज के दौरान महिला की हल्द्वानी में मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। किच्छा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। हाँ, एक फरजाना महिला आई थी और डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का केस था। शरीर पे कई जगह चोट के निशान थे, गले में, पेट में। महिला की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी। तो क्या चाकू लगा था? क्लियर से कुछ नहीं कह सकते हैं, किसी धारदार हथियार से लगाई गई। तो क्या किया उनका? उनको फर्स्ट एड दिया गया, सीरियसली मैंने इसको रेफर कर दिया। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने राज्य सरकार और परिवहन निगम के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन से सभी केंद्रों के सैकड़ों कर्मचारियों ने धरना दिया और 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार एवं परिवहन निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की मांग है कि संविदा विशेष श्रेणी कर्मचारियों को नियमित करने के साथ मृतक आश्रितों को तत्काल नियुक्ति दी जाए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। निगम में जो कर्मचारियों के खिलाफ एक व्यू रचा जा रहा है, रचना रची जा रही है, इसके खिलाफ हमारे पूरे 5 संगठनों ने एक मोर्चा बनाया है जिसका हम कल टनकपुर में वो किया गया है धरना प्रदर्शन, आज हल्द्वानी में है, 27 को देहरादून में है। ये जो परिवहन निगम की नीति है, करीब हमारे वहाँ 20 सालों से विशेष श्रेणी के और संविदा का कर्मचारी चालक परिचालक के रूप में और कार्यशाला में कार्यरत हैं। इनका हमारी पहली मांग है इनका नियमितीकरण किया जाए या इनका वेतन बढ़ाया जाए। और दूसरी मांग है हमारी, जो परिवहन निगम की संपत्ति को खुर्दबर किया जा रहा है, परिवहन निगम के जो बस बेड़े में जो टेंडर परमिट के जारी किए जा रहे हैं उसको रोका जाए और परिवहन निगम में जितनी भी वर्कशॉप हैं और वो हैं उनको उनका आधुनिकीकरण किया जाए, बस डिपो को बढ़ाया जाए। इसके लिए हम पूरे 27 तक हमारा ये धरना प्रदर्शन है, 31 से हमारा कार्य बहिष्कार पूरे प्रदेश में। निगम प्रबंधन द्वारा आए दिन कुछ फरमान ऐसे जारी कर दिए जा रहे हैं जिससे हमारे निगम कर्मियों का आए दिन नुकसान हो रहा है। CRS की स्कीम लगाई जा रही है, CRS कंपलसरी रिटायरमेंट किया जा रहा है, ज़बरदस्ती बाहर किया जा रहा है कर्मचारियों को, जबकि कर्मचारी का मौलिक अधिकारों का हनन आए दिन होता जा रहा है, उसका हम मंच से विरोध कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 5 संगठनों का एक मोर्चा बना हुआ है और तमाम मांगों हमारी लंबित पड़ी हैं और जब तक संगठन ने वार्ता के लिए निगम प्रबंधन से अनुरोध किया तब तक हमें वार्ता का समय नहीं दिया गया। देखो, सरकार का तो काफ़ी लंबे समय से जो रवैया चल रहा है, जो हम उत्तराखंड परिवहन के अंदर देख रहे हैं कि सरकार ने यहाँ पहले ASMA लगा दिया। ASMA इसलिए लगाया कि ताकि कोई जो मनमानी निगम मैनेजमेंट हो, सरकार हो, शासन हो, वो अपनी मनमानी यहाँ कर सके। लेकिन उसी ASMA के बीच में जब कर्मचारी बिल्कुल परेशान हो गए तो अब हमें ये मोर्चा बना के तमाम संगठन एक हो गए। हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब चाहे ASMA हो, सरकार कुछ भी करे, हम अपनी कर्मचारी समस्याओं के लिए, हम निगम से संबंधित समस्याओं के लिए अपनी लड़ाई को पुरजोर तरीके से पूरी ताकत के साथ हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लीजिए। अपनों को करीब लाए।
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को करीब। रामनगर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में हजारों युवाओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन कर महारैली निकाली और अपना रोष व्यक्त किया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने कहा कि हाल ही में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने से सरकार पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। इस रैली के माध्यम से सरकार को जगाने का काम किया जा रहा है। सभी मामलों की सीबीआई जांच की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो प्रदेश में सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। देखिए जिस तरीके से अधीनस्थ चयन आयोग और उत्तराखंड राज्य लोकसभा आयोग में आपने देखा कि 6 महीने पहले बीपीडीओ की भर्ती में पेपर लीक का मामला सामने आया था और लगभग 45 लोग उसमें गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन 2 महीने के बाद ही लचर कानून व्यवस्था को का फायदा उठाते वो लोग छूट गए। और जिसमें जो नकल माफिया का गठजोड़ है उन जब राज्य लोकसभा आयोग को कहते हैं कि जो है शिक्षा का मंदिर होता है, यहाँ पे जो है इसको पूजा जाता है एक प्रकार से कहा जाए तो, इसको बिल्कुल निष्पक्ष माना जाता है कि यहाँ पे जो है पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन आपने देखा अभी कुछ दिन पहले पटवारी लेखपाल की जो भर्ती हुई है उस भर्ती का पेपर लीक हो गया और जो बच्चा सालों से मेहनत करता है, मेहनत करके पेपर देने जाता है और दूसरे दिन उसे पता लगता है कि पेपर लीक हो गया है। आज का युवा, आज का जो प्रतिभागी जो लोग हैं वो अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे हैं, जिसको लेकर आज हमने यहाँ पर रामनगर में सीबीआई जांच की मांग को लेकर हमने यहाँ पे एक पदयात्रा निकाली है। यदि उत्तराखंड सरकार तब भी नहीं जाएगी तो हम पूरे प्रदेश में आंदोलन जो है करने का काम करेंगे। कि जिस तरीके से 2015 दरोगा भर्ती में भी घपला हुआ है, ये पहले से ही तय था कि उसमें भी भर्ती में घोटाले हुए हैं। और जिस तरीके से आपने देखा कि 20 दरोगाओं के प्रमाण पत्र तक फर्जी हैं, किस तरीके से भर्तियां हो रही हैं इस प्रदेश के अंदर, मोटी रकम लेकर 20-20 लाख 25-25 लाख में नौकरियां बेची जा रही हैं। जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है वो कहाँ जाएगा, आखिर वो क्या करेगा? वो बेरोजगार होकर यहाँ से पलायन करने के उस पर कगार पर आ गया है आज का युवा। तो आज हमने यहाँ पर रामनगर में उत्तराखंड सरकार को जगाने के लिए ये पदयात्रा यहाँ पर निकाली है। अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर दूर बीती रात राजकीय प्राथमिक विद्यालय नगर खान के अतिरिक्त कक्ष में शरारती तत्वों ने आग लगा दी, जिससे उसमें रखा फर्नीचर एवं अन्य सामग्री जलकर राख हो गई। हालांकि विद्यालय का मुख्य भवन आग की चपेट में आने से बार बार बच गया। ग्रामीणों का कहना है कि यह काम शराबियों का हो सकता है जो रात्रि में दरवाजा खोलकर वहां बैठे होंगे और ठंड से बचने के लिए आग जलाई होगी। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागिरा न्यूज के साथ। धन्यवाद।